अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टॉम हैज़ 14 बुक मार्क्स। टॉम के पास 14 बुक मार्क्स हैं, मतलब इसको नंबर दिए हैं टीचर ने 14। ठीक है, टॉम को टीचर ने नंबर दिए हैं, 14 नंबर दिए हैं। अब वो नंबर ए, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि टॉम को जो है नंबर मिले हैं 14। अब देखें ए पार्ट में वो कुछ और भी पूछ रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव हाफ ऑफ हिज बुक मार्क्स मिन कैन बी डू सो। टॉम चाहता है कि वो आधे नंबर अपने मिन को दे दे, ठीक है, तो वो किस तरह देगा? क्या वो अपने नंबर मिन को देगा? यस, वो अपने नंबर मिन को दे सकता है, क्योंकि 14 का हाफ हो सकता है। देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जब टॉम को 14 बुक मार्क्स मिल गए, ठीक है, तो वो हाफ बुक मार्क्स मिन को देने के लिए क्या करेगा। सबसे पहले वो 14 को हाफ करेगा। कैसे हाफ करेगा? 14 का हाफ होता है 7, ठीक है, उसके बाद 7। जब हम 7 में 7 प्लस करते हैं, मींस इन दोनों को मिलाते हैं, तो हमारे पास बनता है 14। 14 का हाफ होता है 7। 7 नंबर टॉम अपने पास रख लेगा और 7 नंबर दे देगा किसको? मिन को, ठीक है। तो 7 नंबर हो गए हमारे टॉम के और 7 नंबर हमारे मिन के। तो इस तरह टॉम अपने नंबर्स को हाफ करके मिन को दे सकता है, ठीक है। सो हम यहाँ अपने क्वेश्चन में राइट करेंगे यस। नंबर सेकंड देखें, दोबारा और क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव 1/4 ऑफ हिज बुक मार्क्स टू अरी, कैन ही डू सो। क्या अब टॉम चाहता है कि वो अपने क्वार्टर नंबर, मींस कि वो अपने नंबर के 4 हिस्से करे, 4 हिस्से करे, ठीक है, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें से एक वाला हिस्सा जो नंबर आएगा, ठीक है, वो अरी को दे दे। जब हम अपने नंबर्स को यहाँ पे देखें, जब हम अपने नंबर्स को 14 नंबर्स को, ठीक है, अब वो 7 की बात नहीं कर रहा, अब वो 14 की बात कर रहा है। जब उसके पास 14 नंबर्स हैं तो ये चाहता है अपने 14 नंबर्स के क्वार्टर नंबर करना। हाफ तो इसने कर दिया 7 और 7, ये तो हो गए हाफ, लेकिन अगर वो इसके और आधे करने चाहे तो इसके और आधे होते ही नहीं है। ना इसका आधा 2 होगा और ना 3 होगा, कोई सा भी अपना 4 होगा, कुछ भी 7 का हाफ नहीं होता, तो इसलिए वो क्वार्टर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यह हम राइट करेंगे नो, कि टॉम अपने नंबर्स को क्वार्टर में यानी उसके 4 पीस नहीं कर सकता। नीट एंड क्लीन आपको ये अपनी एक्सरसाइज डन करनी है पेंसिल से, ठीक है, और अब इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।